वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बार्टेंडर। फ्रेंड्स, आज मैं जिनसे कॉकटेल बना के दिखाऊंगा और उसके लिए मैं मरिम्बुला का स्ट्रॉबेरी क्रश को यूज करने वाला हूँ। बहुत ही अच्छी देखने में एक कॉकटेल है और इसमें मैं एक जादुई बर्फ को यूज करूंगा। तो मैं पहले आपको दिखाना चाहूंगा कि वो जादुई बर्फ कैसा दिखता है। तो इस कॉकटेल को बनाने के लिए मैं एक कूपे ग्लास ले लिया और बिफोर यू वॉचिंग माई वीडियो ये देख लीजिए इन्ग्रीडियंट लिस्ट। चलिए, तो इसमें मैं क्या करूंगा, वो जादुई बर्फ मैं देने वाला हूँ। तो मैं निकल के लाता हूँ वो जादुई बर्फ। ये देखिए कितना शानदार देखने में है ना, डिजाइनर बर्फ। और ये बर्फ मैं इसमें दूंगा इस कॉकटेल को सर्व करने के लिए। बाय द वे, अगर आप ऐसा ही कुछ डिजाइनर आइस बनाना चाहते हैं, देखिए कितना शानदार लग रहा है ना, तो फिर मैं ये एक वीडियो बना के रखा हूँ, आई बटन में क्लिक हो रहा है, देख लीजिएगा, बहुत मस्त है। तो चलिए शुरू करते हैं कॉकटेल को बनाने के। तो तब तक के लिए मैं थोड़ा सा इसको पास में रखता हूँ और मैं ले लूँगा एक शेकर जहाँ पर ये कॉकटेल को हम लोग बनाएंगे। और उसके लिए हम लोग डालेंगे मरिम्बुला का स्ट्रॉबेरी क्रश और इसको मैं यूज़ करूँगा अराउंड 60 ml। थोड़ा सा, चलो मैं 45 ml डालता हूँ क्योंकि 60 ml डालने से क्या होगा ना, कुछ ज़्यादा ही मीठा हो जाएगा। तो मैंने 45 ml डाल दिया। अब इसमें मैं डालूंगा क्या, अरे अरे अरे, आप लोग समझ गए, बहुत अच्छा, थैंक यू। ये है, यस यस, लेमन जूस। तो हम लोग लेमन जूस या लाइम जूस जो भी आपके पास है आप डाल दीजिए। अराउंड 15 ml मैं डालूंगा, 15 ml। तो ये मैं डाल दिया इस मीठापन को बैलेंस करने के लिए। तो चलो ये भी हो गया। अब देना है क्या, जिन। तो मैं बॉम्बे सफायर यूज़ करूँगा, आपके पास जो भी जिन है आप दे सकते हैं। तो चलो इसको भी मैं दे दूँगा 45 ml, ग्लास को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये ग्लास उतना बड़ा नहीं है, छोटा सा एक ग्लास है। तो 45 ml जिन मैंने डाल दिया। अब थोड़ा सा आइस देकर मैं इसको शेक करना चाहूँगा, तो मैं अंदर में थोड़ा सा आइस डाल दूँगा। आइस डाल दिया, अब शेक करते हैं ना। चलो, पसीना पसीना हो गया यार। अब ये जो ब्यूटीफुल आइस के साथ कूपे ग्लास रेडी है, यहाँ पर ये ड्रिंक को आपको डाल देना है आराम से। तो मैं इसको डाल दूंगा चारों तरफ से। कितना फैंटास्टिक लुक है ना। अब इसका गार्निश क्या है, कुछ भी नहीं यार, आप ऐसे ही दे दो, पब्लिक खुश हो जाएगा, आपका रिश्तेदार फ्रेंड्स सब खुश हो जाएंगे। तो चलिए टाइम ज्यादा ना गवाते हुए मैं एक बार टेस्ट कर लूं और आपको बताऊं कि कैसा बना। ग्रेट टू गो। आप अगर कोई मेहमान आपके पास आया दोपहर को और उसको चाहिए कुछ रिफ्रेशिंग कॉकटेल, तो आप इसको बना सकते हैं। बाय द वे, इस बार भी मैंने नाम नहीं बताया, तो मैं चाहूँगा कि आप कोई नाम सजेस्ट करो। कॉकटेल का थीम, कॉकटेल का कलर, सब कुछ को देखते हुए एक फैंटास्टिक नाम सजेस्ट कर दो। अगर वो नाम मुझे पसंद आ गया तो हम लोग कम्युनिटी टैब में वो पोस्ट भी करेंगे आपके नाम के साथ, क्वाइट इंटरेस्टिंग है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।